क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शहजाद बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं दोस्तों। पाकिस्तानी बीवी चाहिए या कौमी टीम, अफगान क्रिकेटर मोहम्मद शहजाद नहीं मुश्किल में फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिन कबल अफगानिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद पेशावर के क्लब मैच में खेले थे दोस्तों, जिसकी वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे 3 लाख अफगानी रुपया जुर्माना किया था। दोस्तों अब खबर ये आई है कि अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद शहजाद को अफगान क्रिकेट बोर्ड ने नई मुश्किल में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय आशीर्वाद हासिल हो जाने के बाद अफगान हुकूमत और इदारों का पाकिस्तान पर अर्जाई सराई का अमल काफ़ी देर से जारी है। तहम अब अफगान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में अपने ही ओपनर मोहम्मद शहजाद के पीछे पड़ गया, वो यकीनन अनोखी है और हैरानकुन बात है। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन आतिफ मचाल ने पाकिस्तान जाने और क्लब क्रिकेट खेलने पर मोहम्मद शहजाद पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद करने के बाद उनके लिए नई मुश्किल कड़ी करते हुए फैमिली समेत पाकिस्तान से अफगानिस्तान मुंतकिल होने के लिए 1 माह का नोटिस दे दिया है। दोस्तों आतिफ मचाल ने मोहम्मद शहजाद को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो फैमिली के हमरा पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान मुंतकिल ना हुए तो उनका ना सिर्फ अफगान क्रिकेट बोर्ड से माहदा मंसूख कर दिया जाएगा बल्कि किसी और लीग में खेलने के लिए NOC भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों वाजह रहे कि मोहम्मद शहजाद लाखों अफगानों की तरह पाकिस्तान में मौजूद अफगान कैंप में पले बड़े हैं और अपनी इब्तदाई क्रिकेट भी यहीं पर खेली है। दोस्तों उन्होंने पेशावर में मुकीम एक पाकिस्तानी फैमिली से रिश्ता जोड़ा और शादी करके वहीं रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों मोहम्मद शहजाद के लिए ये सूरत हाल इंतहाई दिलराश है, जिस पर दोस्तों फैमिली की जानिब से अफगानिस्तान मुंतकिल ना होने का दबाव है और अब उन्हें क्रिकेट कैरियर या फैमिली में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ सकता है। अब तक मोहम्मद शहजाद का इस हवाले से कोई मौकिफ सामने नहीं आ सका दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़।